हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल फ्रीक अंगद चैनल। आज हम आपको लेके जा रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह। ये है इंटरनेशनल रोरक मेमोरियल ट्रस्ट नगर में। आइए चलते हैं, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये बहुत ही हिडन प्लेस है। आइए देखिए, आके चलते हैं। ऐसी ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना। व्यू देखो कैसे हो सर? ठीक हूँ। सर, यहाँ आपने जॉब की है तो आपको निकोलस सर के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है, तो प्लीज़ हमें ही बताइए ताकि हम दर्शकों को दिखा सकें। प्लीज़ ब्रीफ में बताइए और चलते हैं, देखते हैं निकोलस सर की पेंटिंग्स, उनके बारे में पूरा जानते हैं। निकोलस रोरिक जो थे, एक महान कलाकार, पुरातत्वविद, लेखक और एक इतिहासकार भी थे। वो 1928 में पीटरबर्ग रशिया से आए थे अपनी फैमिली के साथ। ओके। क्योंकि वो उनको ज्ञात था, अध्ययन करते थे वो कि कुल्लू की संस्कृति, कुल्लू घाटी की इस कला संस्कृति से वो अवगत थे। और एक कलाकार को चाहिए होता है कि पीसफुल एटमोसफेयर और जहाँ सीनिक ब्यूटी वगैरह हो, तो यहाँ की कला संस्कृति प्रभावित होकर यहाँ पर आए थे। ओके सर। तो अपनी फैमिली, उनके दो बेटे थे, श्वेता सलाब रोरिक और जॉर्ज रोरिक। श्वेता सलाब रोरिक जो थे वो एक आर्टिस्ट थे अपने फादर की तरह, और जॉर्ज रोरिक एक साइंटिस्ट थे। ये जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये निकोलस रोरिक की मूर्ति है, स्कल्पचर है, और दूसरी हेलेन रोरिक, उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी हेलेन रोरिक की है। तो इन्होंने भी इतना ध्यान किया भारतीय संस्कृति के बारे में कि अग्नि पुराण पुराण किताबें लिखी हेलेन रोरिक ने। ओके, वेरी गुड। तो उनकी जो पुत्रवधू थी वो थी देवी करानी, पुरानी फिल्म एक्ट्रेस थी देवी करानी। Okay. पहले वो हिमांशु राय फिल्म डायरेक्टर की पत्नी थी, उनकी डेथ के बाद उनके बेटे श्वेता सलाब की मैरिज हुई। उनका कुल्लू घाटी में कब में बड़ा भारी उनके आगमन से यहाँ को इंटरनेशनल फेम मिली। उन्होंने पूरे हिमालयन क्षेत्र में, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एक निकोलस रोरिक जो थे वो एक बड़े पुरातत्वविद थे, पुरातत्व के ज्ञाता थे, पुरातत्व प्राचीन कलाकृतियों के ज्ञाता थे। तो उन्होंने पूरे हिमालयन क्षेत्र में भ्रमण किया और हजारों कलाकृतियाँ इकट्ठी की, एक्सकवेशन की, एक्सप्लोरेशन की, और यहाँ पर 4 म्यूजियम की स्थापना की। जब वो आए थे तो उन्होंने 200 बीघा जमीन खरीदी। आप ये देख रहे हैं, ये रोरिक आर्ट गैलरी है। जब 1928 में आए, अपने जीवन काल में उन्होंने 7000 पेंटिंग बनाई निकोलस रोरिक ने। वेरी गुड, बहुत तो ज़्यादा। पहले उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया अपनी फैमिली के साथ, उसके बाद आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया। ओके, आइए सर देखते हैं। निकोलस रोरिक का जो मेन कंट्रीब्यूशन है कि वो प्रिजर्वेशन ऑफ आवर आर्ट हेरिटेज, हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करने, और 1935 में एक समझौता दिया उन्होंने जिसको कहते हैं रोरिक पैक्ट। okay. उसके प्रोविजन के तहत ये था, वो समझौता जो वाशिंगटन में उस टाइम राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई, तो वहाँ पर उनका जो है समझौता पास हुआ। तो उसके तहत जो था, कोई भी कंट्री, चाहे युद्ध हो चाहे शांति हो, एक दूसरे के हेरिटेज पर अटैक नहीं करेगी। जब बॉम्बार्डमेंट है तो सब कुछ तबाह हो जाता है, म्यूजियम, कलाकृतियाँ, हमारी संस्कृति चीज़ें तबाह हो जाती हैं। तो ये प्रोविजन था कि हेरिटेज इंस्टीट्यूशंस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर कोई हमला नहीं करेगा, क्योंकि साझी जरूर मानवता के कल्याण की संस्थाएं हैं, चाहे साइंस की इंस्टीट्यूशंस हों या हेरिटेज के इंस्टीट्यूशंस हों, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हों। तो इसको कहते हैं रोरिक समझौता। रोरिक समझौते के एक निशानी के तौर पर एक बना, इसको कहते हैं कि एक बैनर पीस झंडा बना, ये देख रहे हैं आप, विद इन सर्कल तीन बिंदे हैं, अभी भी दिखाएंगे आपको, तीन बिंदे हैं कि वो रिप्रेजेंट करते हैं कि एजुकेशन, साइंस एंड रिलीजियन। ये बड़ा शांति चिन्ह है, ये बड़ा प्राचीन चिन्ह है, हम पुरानी मोनेस्ट्रीज में, पुराने पुराने मंदिरों में इस चिन्ह को देखते हैं, शांति का चिन्ह। रोरिक का ओपिनियन था कि पीस थ्रू कल्चर,
कल्चर के थ्रू पीस को मेंटेन करने हैं। तो ये कई देशों ने इसको अडॉप्ट किया, क्योंकि ये धरोहरें जो हैं ये सब की सांझी धरोहर मानी गई है, स्टडी पॉइंट हो गई थी, अध्ययन विदेशी भी करते हैं, किसी सांझी विश्व के वैश्विक की सांझी धरोहर मानी गई है। ठीक है, अंदर सर की सभी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। हाँ, इन धरोहर की पेंटिंग्स हैं, ये आप देख रहे हैं ना कि एक बैनर पीस बताया जी, है जो बैनर पीस बताया, तीन बिंदी एक तीन डॉट डॉट शांति शांति के बड़ी बड़ी पुरानी मोनास्ट्री में तीन को पाए गया। ये रोजिक की देन थी कि रोजिक पैक्ट के तहत एक झंडा बनाया गया इसके प्रति। ये सभी हम आने वाली संतानों पर वर्तमान जो जनरेशन है फ्यूचर की जनरेशन को हेरिटेज को बचा सके, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को बचा सके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बचा सके। तो ये बड़ा भारी जिसको कहते हैं ना रोरिक काम कर गए हैं निकोलस रोरिक, उन्होंने अपना घर माना भारतवर्ष को, उन्होंने अपना घर माना नगर को, अपना घर माना एम्प्लॉयमेंट दी यहाँ पर उनकी वजह से। आप एक पेंटिंग देखेंगे उनके बेटे श्वेत सड़क रोरी की, तो बड़ा एक 10-12 घर थे, मतलब इतना डेवलप एरियन था, कुछ स्लेट रूप हाउस हुआ करते थे। आज रोरिक यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी, यहाँ का फ्लो बढ़ा और यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों को भी एक एक्टिविटी यहाँ पर बड़ी, तो उनका आने की बड़ी देन है, एम्प्लॉयमेंट दी उन्होंने, हमारी कल्चर की चीज़ें प्रिजर्व की, चार म्यूजियम की स्थापना की, तो बड़ी ग्रेट। जैसे हम देख रहे हैं आजकल एग्जीबिशन भी यहाँ पे लगते हैं, बहुत ये इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये हैं इसके कि फर्स्ट जो 1993 में मैं बोलना भूल गया, क्योंकि 1993 में देविका रानी ने इसको एक इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट की क्रिएशन की। पहले इसको रोरिक स्टेट बोलते थे, देवी करानी जी थी फिर मैट्रिस थी, इनकी पुत्र बधु होनी बाद में, तो इन्होंने इसको इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट की दायरे में लाया। उसका एम मेन ये था कि हमारी जो नेगलेक्टेड हेरिटेज है उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि ये जो है हेरिटेज जो है ये पास जो हमारा वर्तमान की नींव है। पास आप देखते हैं कैसे मंदिर बने, कैसे मूर्तियाँ बनी, कैसे कर, आज हम प्रिजर्व भी नहीं कर पा रहे। सही बात है, प्रेजेंट जनरेशन का उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा लगता है कि ये निर्माण जो है वो किसी ईश्वरी वो है इंसान के, पुराने साउथ के मंदिर देखो या कि नॉर्थ मंदिर देखो, मूर्तियाँ देखो, गुप्त काल स्वर्ण युग का गया, इन्होंने हजारों कलाकृति इकट्ठी की, निकोलस रोरिक की बात जहाँ तक आती है, पत्थर की मूर्तियाँ भी हैं उसमें, धातु की मूर्तियाँ भी हैं, अपने साथ जाते हैं जीवन अपने जीवन काल में सारे वर्ल्ड के अलग अलग म्यूजियम में हैं, उनके बेटे भी वो थे यहाँ पर। बड़ा उर्सवती इंस्टीट्यूशन, चार म्यूजियम है यहाँ पर, ये रोड काट के बोलते हैं, एक देवी करानी श्वेत सड़क रोड की यादगार में है। तो दूसरी बात थी कि हिंदू धर्म से इतने प्रभावित हो गए थे, उन्होंने कहा कि मेरे को क्रीमेट किया जाए, दफनाया ना जाए, तो उनको गाँव बड़ा बड़ा प्यार करते थे, उन्होंने उनको यहाँ पर क्रीमेट किया, संस्कार किया, नीचे समाधि। तो जो वेरी देरी जो कल्चर देरी पीस वेरी देरी कल्चर नो हेटर नो वार, उनका ये मानना था कि कल्चर के थ्रू पीस के थ्रू जो ये जो आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आजकल जो वार्स हैं, अनरेस्ट है, उसको कल्चर के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। तो बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी थी, और देखिए जैसे इतने पुरानी वो हैं अभी भी, जैसे लगता है कि आज ये फ्रेश है। आप अंदर देख रहे हैं इनका रोरिक जो है, रोरिक की क्रोकरी थी, फैमिली यूज करती थी, और ऊपर थंका पेंटिंग है, थंका पेंटिंग जो थे वो तिब्बत में बनाते थे। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध धर्म में 500 अवतार हुए हैं, तो इनके जो पेंटर थे बुद्धिस्ट पेंटिंग ऑन क्लोथ इज कार्ड थंका पेंटिंग। क्यों लगाई जाती थी कि घर में एक सुख शांति रहे, कोई ऐसी बुरी आत्माएं अंदर ना आए, एक डेकोरेशन रहे। और ये बुद्धिस्ट अब ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट आर्टिस्ट थे उन्होंने दूसरे विषय नहीं चुने, बुद्धिस्ट विषय चुने, जैसे अवतार हो गए दूसरे हो गए, है ना जी, जितने बुद्धिस्ट अवतार हुए बुद्धिस्ट वो चले क्लोथ पर वो किया। तो बड़े एक कठिन काम है ये,
और एक बुद्धिस्ट कल्चर को डिपिक्ट करते हैं, ये थंका पेंटिंग। ठीक है, वो नीचे जो निकला सर और देविका मैम के स्कल्पचर हैं वो उसके बारे में बताना हमें। हाँ, अभी अभी स्थापित हुए, पिछले महीने स्थापित हुए थे, ये यूक्रेन के आर्टिस्ट ने इनका उन्होंने बनाए थे, डोनेट किए इन्होंने, रशियन एम्बेसी के थ्रू आए है ना, यूक्रेन से आए हैं। तो ये मेटल के बने हुए हैं, कैसे? मेटल के बने हैं, नीचे म्यूजियम देखेंगे आप, वो निकोलस लोरिक और देविका रानी का म्यूजियम है, उनकी यादगार में कुछ यादगार की चीज़ें रखी हैं, तो उस म्यूजियम के साथ ही ये स्कल्पचर खड़े किए हैं ओके, ताकि उनके बारे में, उनकी जो देन है वो उनके बारे में पता लगे, उनको प्रिजर्व कर। देख के आए हैं अंदर, तो अभी ये मंदिर है, इसके बारे में बताइए प्लीज। ये बड़ा इसकी मान्यता है, ये गुग्गा पीर का है, गुग्गा और बाकी मूर्ति भी देवी देवताओं की, जो इसकी रोरिक ने एक्सप्लोर की ये चीज़ें, कुछ कलेक्ट की, प्रिजर्व की, गुग्गा चौहान बोलते हैं इनको। ये सूर्य की मूर्ति है, हनुमान की मूर्ति देख रहे हैं आप, गुग्गा ज्यादातर घोड़े पर सवार हैं, बाकी अन्य देवी देवताओं की मूर्ति। यहाँ पर हवन होता है 9 अक्टूबर को, यहाँ पर निकल सरोवरी की बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पर यहाँ पर बड़ा हवन होता है, रशियन राजदूत भी आते हैं, क्योंकि ये म्यूजियम जो है, ये जो रोरिक ट्रस्ट है इसके अंडर 4 म्यूजियम हैं, तो यहाँ पर इंडो रशियन जॉइंटली इसके अधिकारी हैं, वो भी काम करते हैं, रशियन स्टाफ भी यहाँ पर काम करता है और इंडियन स्टाफ मिलजुल के ये इंडो रशियन के अंडर आता है। ठीक है सर, ये सामने गाड़ी खड़ी है सर, ये गाड़ी है रोरिक की गाड़ी थी, मेमोरियल गाड़ी है, ये निकोलस रोरिक की गाड़ी थी, ये देखिए ना 3.34 इसका हॉर्स पावर, मेक डॉज की है, रजिस्ट्रेशन नंबर है PVN 133, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर 70-80-90 लगभग 7 साल लगे ये देखिए निकोलस सर की गाड़ी, बिल्कुल जी। आगे चलते हैं, देखते हैं, अच्छा व्यू है। ये नगर गांव का आप देख रहे हैं, मैं बताता हूँ बिल्कुल, एक आपने निकोलस रोरिक के बेटे, कलाकार बेटे सुरेश शाह की पेंटिंग देखी रोरिक आर्ट गैलरी में, तो उसमें कुछ स्लेट हाउस बताए गए हैं, इतने डेवलपमेंटल थी एरिया, तो जब निकोलस रोरिक आए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी यहाँ फ्लो बढ़ा, आना जाना शुरू हुआ, टूरिस्ट भी बढ़े, और आज देख रहे हैं कितना विस्तार है, ये कितने मकान बन गए हैं, कितने कोठियाँ बन गई हैं, ये सामने देख रहे हैं आप, ये नगर कैसल है, नगर कैसल है, कैसल जो था वो पहले ये एरिया जो था वो कुल्लू के राजा की राजधानी भी रहा है, इस विलेज को हेरिटेज विलेज का संज्ञा भी दी गई, उपाधि भी दी गई है, तो किला जो था ये रोरिक जो आप देख रहे हैं ये किला था पहले, कैसल जो था ना, राजा मोनेस्ट्री छीन पाते हैं, एलिमेंट के छीन पाते हैं ओके सर, तो उनके पुरातत्व की झलक उनकी पेंटिंग में मिलती है, पुरातत्व की झलक मिलती है, पहाड़ों के जैसे ये आत्मा है, ये पहाड़ों के जब आप देखते हैं कितनी सुंदर पेंटिंग आज भी जैसे लिखती हैं, और ये एंटीक्विटी ट्रेडिंग टोल एक्ट के तहत ये पेंटिंग आ गई है, एंटीक्विटी ट्रेडिंग टोल एक्ट 1972 भारत सरकार ने बनाया था, पहले बड़ी स्मगल होकर चीज़ें चली गई विदेशों में, मास्टर पीस वहाँ पाए जाते हैं, फिर उनको चेक करने के लिए एंटीक्विटी ट्रेजर टॉप एक्ट 1972 बनाया गया, तो अब स्मगलिंग रुकी है, अगर आपके पास कोई पेंटिंग है, आपके कोई सिक्के हैं, कोई पुरानी चीज़ है, तो उसको आपको रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास रजिस्टर करानी होती, चोरी हो जाती थी, हम भी बता पाते थे कि भाई इसकी कलाकृति का कैसा हुई है, कितना साइज है, कौन सी वो है, तो 3 सर्टिफिकेट बनते हैं, तो उसका एंटीक्विटी की फोटो लगती है, उसका साइज होता है, उसका पीरियड लिखा जाता है, कितने किलो 100-100 का जो एप्लीकेशन वो कर सकते हैं। ठीक है सर, ऐसा होता है कि अगर 3 सर्टिफिकेट, एक तो ऑनर के पास रहता है जो मालिक है उसका, एक भारत सरकार को जाता है आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का, ओके सर, एक जो ऑनर उसके पास रही, एक वो 3 सर्टिफिकेट बनते हैं सर, एक ऑनर को, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक ऑफिसर कोर्ट में रहता है, तो आप जब एयरपोर्ट में जाएंगे तो पहले वो चेक होता है कि भाई सर्टिफिकेट है, रजिस्टर्ड है, ये चीज़ आप बेच सकते हैं,
पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लोकेशन दिखाना पड़ेगी। जैसे आप यहाँ से भेज रहे हैं कि हैदराबाद जा रही है आपकी, जो आपकी कलेक्ट थी चीज़ आपकी है, पर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के दफ्तर में जाके लिखाना पड़ेगा कि ये एंटीक्विटीज जगह है। आप भारत सरकार को क्यों भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं कि वहाँ भी एक डाटा कलेक्ट होता है कि हमारे देश कितना संपन्न है, पुरातत्व दृष्टि से, धरोहरों की दृष्टि से कितना संपन्न है। तो ये चीज़ें हैं कि ये भी एंटीक्विटी उसमें आ गई हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है धरोहर की। हो ठीक है सर, आइए। ये जो है ये इनकी यादगार में ये मेमोरियल बनाया गया है, देवी करानी और श्वेता सुलाभरोधी, पहले ये समर स्टूडियो था। ओके, तो बड़ा महान काम कर गए हैं ये। ये कला जो है किसी भी राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति का आईना होती है। कला जो होती है, कला जो एक मार्ग, कला जो है एक मार्गदर्शन करती है। एक कला तो हर जगह, जिसको कहते हैं ना कि मानवता के कल्याण के लिए भारतवर्ष कला का देश रहा है, हेरिटेज का देश रहा है। तो कला के दृष्टिकोण से ये कोई देश देश का डिफरेंस नहीं है, सबका साझी जरूर है कला जो है ना। यहाँ से स्टार्ट कीजिए सर, साझी जरूर है। देखिए ये निखिल सरोरिक हैं, ये इनके बेटे हैं श्वेता सरोरिक, कितने काम कर गए हैं ये देखो ना, कितने आप देख रहे हैं कितने काम कर गए हैं। देखिए ये इनकी बुक्स हैं। हाँ, ये देविका मैम के, हाँ देविका रानी के। ये देखो नेहरू विद राय, 2004 में वाजपेयी आए इधर, ये नेहरू हैं, ये निकुलस सरोवरिक हैं, ये निकुलस सरोवरिक हैं, ये इंदिरा गांधी हैं इंडिपेंडेंस से पहले उनके सेक्रेटरी थी। तो बड़े एक इंडिया के लिए, नगरवासियों के लिए, कुल्लू वैली के लिए एक बड़ा काम कर गए हैं वो। And we see for young couples who come in here. This winter season, a lot of young couples coming for honeymoon. सोनिया मैम के साथ लालसा मैम आ रहे हैं, जो आजकल और एक इंटरनेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के क्रिएटर्स हैं। शी इज फ्रॉम रशिया। That time this door was open. Okay. And this roof, it was transparent. Okay. By glass. So a lot of light came here. So it was good studio for painting, for creative work. So, and you can see some photographs. This is young Svetoslav. Mm-hmm. His wife Devika, would maybe here, maybe he was seeing, he was looking at Devika and painting her. Mm-hmm. Because this portrait, it was made in Kulu. Okay. Yes, of Devika Rani. This is his mother, Svetoslav, and mother-in-law, Devika Helena Jorik.
Yes, and this is Devika and Svetoslav in Manali Khadimba Temple. Yes, yes. This is Svetoslav. Svetoslav Rurik, he loved art of India and he studied art of Kuluveli. He has books. शो हो रहा है सर, ये क्या है आप प्लीज बताएंगे सर? ऐसा है कि निकोलस रोरिक सर, ये रोरिक फैमिली थी, वो हिंदू धर्म से इतने प्रभावित थे कि उनकी इच्छा थी निकोलस रोरिक की कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे को क्रीमेट की जाए, मेरा हिंदू रीति रिवाजों के साथ की तरह एक इसको क्रीमेट किया जाए, संस्कार संस्कार किया जाए, क्योंकि वे ईसाई थे, ईसाइयों को आप जानते हैं कि दफनाया जाता है, पर गांव वाले बड़ा प्रेम करते थे उनको, तो उन्होंने मिलजुल के उनका दाह संस्कार किया और उनके एसिड पर ये समाधि स्थल का निर्माण हुआ, बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस है ये। ओके, देखिए कितनी कितनी शानदार जगह है। 1947 में निकोलस रोरिक की डेथ होती है, तो जो भी विदेशी आया हिंदू धर्म संस्कृति से प्रभावित हुए बिना रह सका। आप फन सेंचुरी में देखते हैं, बीसी में देखते हैं, कुषाण आए, हूण आए, इंडो ग्रीक आए, उसके बाद दूसरे आए, प्री मुगल आए, मुगल आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भारत में ऐसा आकर्षण है। यहाँ कला संस्कृति 5000 साल पुरानी मानी जाती है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारी कला संस्कृति का शुभारम्भ हुआ। पर नहीं, मैं नहीं मानता इन चीज़ को, क्योंकि जब हम गुफा चित्र देखते हैं आदिकाल के आदि मानव के, भीम बेटी का मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी राजस्थान है दूसरे, उसमें तो उसमें चित्र पाए जाते हैं सर, उसमें चित्र पाए जाते हैं तो लाखों वर्ष पुराने हैं वो, अर्ली स्टोन एज मिलते हैं। अब नान में जाएं, एक स्क्वेती फॉसिल पार्क है, वहाँ उनके टूल्स मिले हैं, आप जानते हैं, पढ़ा होगा आपने भी कि प्राचीन आदमी जो थे, आदि मानव जो थे, वो पत्थरों के जारों से खेती करता था, शिकार करता था, तो हर चीज़ है वो वहाँ मिल रही हैं, ममीज मिल रही हैं अभी स्पीति स्पीति में भी, हिमाचल प्रदेश के लॉर्ड स्पीति में भी हर चीज़ मिली है। एक्सप्लोरेशन की जरूरत है, तो यहाँ पर बड़ा रिच है कल्चरली, हिमाचल प्रदेश बड़ा रिच है और आर्कियोलॉजी के हिसाब से बड़ा रिच है, एक्सप्लोर करने की जरूरत, पूरा एक्सप्लोर नहीं है फिर भी इसकी क्षमता है। तो जो भी विदेशी आया हमारी हिंदू भारतीय कला संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं जा सकते, ऐसे ही निकोलस रोरिक थे। ये उनकी समाधि है ना, उनकी समाधि स्थल है, 1947 में उनकी डेथ हुई थी सर। ये देखिए ये उनका इसमें लिखा है, आप देख रहे हैं इस ऊपर के पहले क्या देख रहे हैं आप, ये बैनर ऑफ पीस का चिन्ह है, जैसे ऊपर बताया मैंने झंडे पर है, पीसफुल का, पीसफुल शांति शांति चिन्ह है ये, कि पीस थ्रू कल्चर बस द मोटो ऑफ निकोलस रोरिक, वेर इज देर इज कल्चर देर इज पीस, वेर इज देर इज कल्चर देर इज नो हेटर नो वार। जब कल्चर नेशन होंगे, कल्चर देश होंगे, शांति प्रिय देश होंगे, तो ये आजकल की तरह अनरेस्ट नहीं होगा, है ना। तो इन शांति की दिशा में बड़ा भारी संदेश दिया निकोलस रोरिक सर्जन, तो की 7000 पेंटिंग बनाई है। तो ये देख रहे हैं कि इस स्थान पर ये लिखा है इसमें, इस स्थान पर 15 दिसंबर 1947 इसमें लिखा है कि भाई, और शांति चिन्ह यहाँ भी पाई गई है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ है आज के संदर्भ में, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पत्थर कौन सा यूज़ किया हुआ सर? ये सैंड स्टोन है मेरे ख्याल, हाँ सैंड स्टोन होता है, इस एरिया में ज़्यादातर सैंड स्टोन मिलता है, ज़्यादा जल्दी भी उकृत हो जाता है। तो बस आप देखो ना, जब सड़कें नहीं होंगी कितना बजनी कैसे लाया होगा, कहते कई महीने लगे थे इसको, एक एक इंच वो करके गांव वालों ने बल्लियों के सारे इसको सरका के यहाँ पर लाए होंगे। तो कितने डेडिकेटेड लोग थे, कितनी इनकी मान्यता थी, और कितना छोड़ गई है ना, वृक्ष लगा गए हैं ना, क्योंकि हम आज वृक्ष लगाएंगे तो हम तो ना उसका फल आने वाली संतान वो करेंगी ना, वृक्ष के रूप में इन्होंने 200 बीघा जमीन में पर्यावरण की रक्षा की। यहाँ पर बड़े बगीचे होते थे और चढ़ होते थे, अभी भी हम डेवलप कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसका भी कोई जीवन काल होता है और नया हम और चढ़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर वो मैं सामने देख रहा हूँ, वो क्या है सर? ये देविका रानी की छिड़ है, उनकी एसएच पर देविका रानी जो पुत्र वधु थी इनकी, निकोलस रोरिक की पुत्र वधु थी, उन्होंने बड़ा महान काम किया,
इंटरनेशनल रोड कमर्शियल ट्रस्ट की स्थापना। दिखाइए सर वो भी। आइए आइए देखिए 1993 में देविका रानी ने, 1992 में उनके जो पति थे महान कलाकार श्वेता श्रावण की डेथ हुई, दोनों ने काम शुरू इकट्ठा किया था, इकट्ठे किया था कि यहाँ पर वो बनाया जाए, इसको ट्रस्ट में तब्दील जाए, एक ट्रस्ट डी डेवलप की जाए। तो 1993 में फिर उनकी डेथ हो जाती है 92 में, तो 93 में फिर इसने देवी करानी के कंधों पर इसका भार आ गया, ट्रस्ट डीड है, उसके तहत ये होगा कि ये ट्रस्ट है, ये एक इसके एक ट्रस्टीज होंगे, चीफ मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होंगे, प्राइम मिनिस्टर इसके जो होंगे संरक्षक होंगे, और कुछ अधिकारीगण सरकार के, हिमाचल सरकार के, कुछ भारत सरकार के जो है इनके देखभाल के, उनके निरीक्षण में, उनके निरीक्षण में रहेगी संस्था। ये तो इसका बड़ा महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द पैदा किए उन्होंने इस इंटरनेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का एक उद्देश्य था, लक्ष्य था, भारत रूस मैत्री की नींव रखी निकोलस रोरिक ने। तो ये महिमा है यहाँ की, आप देखेंगे कि दो म्यूजियम ऊपर भी हैं, एक हिमालयन फोकट म्यूजियम और एक उर्सवती म्यूजियम। हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम का ये उद्देश्य है कि जो हिमालयन की जो कला संस्कृति है, यहाँ जो कल्चर है, उसको प्रिजर्व। आपने बहुत हमें बताया निकोलस सर के बारे में, बताया यहाँ की जीवन शैली के बारे में, बताया रिच कल्चर के बारे में, बताया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप बताइए।